नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का छोटा मोटा बिजनेस या फिर बड़ा बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आपको करंट अकाउंट की तो आवश्यकता होती ही होगी। यहाँ पर अगर आप रेगुलर ज़्यादा पेमेंट करते हो, ज़्यादा लेन देन करते हो, बाहर पेमेंट पहुँचवानी होती है, मंगवानी होती है पेमेंट, तो इसके लिए आपको एक करंट अकाउंट की तो डेफिनेटली जरूरत पड़ती ही होगी। अब ऐसे में अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आपको पता होगा कि आप सेविंग अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही कर सकते हो। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो अपने सेविंग अकाउंट से तो आपको परेशानी हो सकती है भविष्य में। तो इसीलिए बैंक वाले और सीए वगैरह जितने भी लोग होते हैं, ज्यादातर लोग यहां पर आपको करंट अकाउंट की सलाह देते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो किस तरीके से खुलवा सकते हो। दोस्तों यहां पर मैं आज की इस वीडियो में आपको करंट अकाउंट ऑनलाइन एक्सिस बैंक का किस तरीके से खुलवाना है, टीडीएस फ्री करंट अकाउंट पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या इसमें प्रोसेस वगैरह, क्या क्या रूल्स एंड कंडीशंस रहने वाले इस अकाउंट में। दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो आपसे बोलते हैं कि अगर आपका फॉर्म वगैरह होगा तभी आपको करंट अकाउंट खुलेगा, या फिर आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो तभी आपका करंट अकाउंट खुलेगा। अगर आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, अगर आप पर्सनल करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, मान लीजिए आप एक एजेंट हो और यहाँ पर आप एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आमतौर पर बैंक आपको चक्कर लगवाएंगे और आपका इतनी आसानी से करंट अकाउंट नहीं खुलने वाले हैं, ठीक है ना। और वहीं पर आज की इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूं, उस प्रोसेस के माध्यम से आप घर पर बैठकर सिर्फ 2 मिनट में अपना करंट अकाउंट खुलवा सकोगे ऑनलाइन एक्सिस बैंक। दोस्तों आपको पता होगा कि यहां पर करंट अकाउंट के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर एक्सिस बैंक आता है, फर्स्ट नंबर पर आईसीआईसी बैंक आता है। अगर आपको सबसे बेस्ट करंट अकाउंट खुलवाना है तो उसका आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे बेस्ट करंट अकाउंट यहां पर आईसीआईसी बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, उसके बाद यहां पर एसबीआई, फिर HDFC, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का लार्जेस्ट बैंक है करंट अकाउंट के मामले, तो यहाँ पर आप बिंदास होकर अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, ब्राउजर पर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है नोवा एक्सिस बैंक। यहाँ पर जैसे ही आप नोवा एक्सिस बैंक लिखकर सर्च करोगे तो देखिए फर्स्ट लिंक आ जाएगी यहाँ पर डिजिटल करंट अकाउंट की, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का डिटेल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सिंपली आपको गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे वॉइस और वीडियो कॉलिंग की अनुमति मांगेगा, तो यहाँ पर अलाउड वगैरह कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको पैन नंबर, आधार नंबर और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद वेरीफाइड डिटेल के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अपनी तीनों चीजें डालोगे तो यहाँ पर पैन वैलिडेट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। इसके बाद आपको वेरीफाइड डिटेल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सारी टर्म एंड कंडीशंस रीड कर ली, इसके बाद आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस चलेगी। प्रोसेस के बाद यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में से ओटीपी देखने के बाद यहाँ पर एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही ओटीपी वगैरह डालोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलेगी, और यहाँ पर देखिए आपके सामने तीन कॉलम खुलकर सामने आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पर्सनल, यहाँ पर आप जैसे ही पर्सनल के कॉलम पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक एक करके ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पर मैरिज स्टेटस और यहाँ पर पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पर बाद आपको यहाँ पर वर्क डाल देना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ और आना है तो यहाँ पर आपको अपनी आय डाल दे, इनकम डाल देनी है, सोर्स ऑफ फंड डाल देना है, कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो, नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको नो कर देना है, यहाँ पर भी नो कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल कंप्लीट करोगे, इसके बाद फैमिली डिटेल यहाँ पर डालने के लिए मांगेगा, तो यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस चलेगी यहाँ पर, सिंपली फादर्स नेम मदर्स नेम वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहो तो नॉमिनी ऐड कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर फैमिली डिटेल डालने के बाद सिंपली यहाँ डाल दे एड्रेस डाल देना है आपका, जो भी एड्रेस वगैरह हो। अब यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको एग्री बटन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ और आपको आ जाना है, तो यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछेगा, आई एम इन इंडियन सिटीजन, पे टैक्स ओनली इन इंडिया। अगर आप ओनली सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो तभी आप यहाँ पर एस करें, अगर नहीं हो तो नो करें, ठीक है ना। इसके बाद रिव्यू एंड प्रीवियस के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको आपकी डिटेल सारी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको चेक करने के बाद यहाँ पर डन के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपसे वीडियो केवाईसी के लिए बोलेगा, लास्ट स्टेप बचा है। यहाँ पर आपसे एक्सिस बैंक का कस्टमर आपसे वीडियो कॉल पर बात करेगा, यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल वगैरह पूछेगा और पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो कॉल पर अपना फिजिकल पैन कार्ड दिखा देना है और यहाँ पर एक्सिस बैंक के कस्टमर तत्काल ही आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग कर देंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर यहाँ पर एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो वहां पर लगभग आपसे 4,500 रुपए की फीस पे करने के लिए बोलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 4,500 रुपए की फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 4,500 रुपए की फीस जमा कर देते हो तो यहाँ पर साथ में आपके दो चार इंश्योरेंस वगैरह भी आपके इंक्लूज हो जाएंगे और आपके 4,500 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकली सोचिएगा और यहाँ पर आपको अवॉइड करनी है वो पेमेंट 2-4 घंटे के लिए, ठीक है ना। एक बार पेमेंट करने का ट्राई कीजिएगा और वहां पर बीच से छोड़ दीजिएगा, ताकि ब्राउजर को लगे कि यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो गई है। तो ऐसे में आप दोबारा से अपनी जीमेल आईडी खोलिएगा और वहां पर उस लिंक पर दोबारा से क्लिक कीजिएगा, तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहली आपको 5,000 रुपए की पेमेंट देखने को मिलेगी, दूसरी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 590 रुपए की पेमेंट देखने को मिलेगी, जो कि डेबिट कार्ड इशू करने का चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड इशू करने का चार्ज लास्ट में सेकंड टाइम में सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर 590 रुपए की फीस यहां पर पे कर देने। दोस्तों कोई भी करंट अकाउंट हो, यहां पर आपको डेबिट कार्ड इशू करने का इतना ही चार्ज देना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो डेबिट कार्ड इशू करने का चार्ज देना है। डेबिट कार्ड जैसे ही आप इशू करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका अकाउंट भेज दिया जाएगा। आपका जैसे ही अकाउंट नंबर आ जाता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक एप्स होता है एक्सिस बैंक का, उस एप्स को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एप्स को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड वगैरह करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन की अगर आप प्रोसेस जानना चाहते हो ऐप के माध्यम से, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस एप्स पर किस तरीके से आपको रजिस्टर्ड करना है उसका वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप तुरंत अपना अकाउंट इंस्टेंट यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपने ब्रांच में जा सकते हो, अपनी नजदीकी एरिया की ब्रांच में जाइए और वहां पर बोल दीजिए कि सर मैंने अभी अभी ये करंट अकाउंट ओपन किया है, तो इसका एप्स वगैरह किस तरीके से यूज वगैरह करना है मुझे पता नहीं है, तो इसका एप्स इंस्टॉल कर दीजिए और यूजर आईडी क्रिएट कर दीजिए। तो वहां के एम्प्लॉय भी आपकी ये मदद कर देंगे, आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, ना ही आपसे गलत बिहेवियर से फेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट होल्डर्स से ब्रांच वाले भी अच्छे से ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंक को असली मुनाफा तो करंट अकाउंट से ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर करंट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड सारी प्रोसेस आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।